ओम इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ म्यूजिक, और म्यूजिक जो है हमारी सोल लेवल तक एक बाम की तरह काम करता है। जैसे अगर हमें कभी कोई सर दर्द है, बदन दर्द है, तो हम बाम लगाते हैं। म्यूजिक एग्जैक्टली जो है हमारी सोल में एक बाम की तरह काम करके उसको नर्चर करता है, नरिश करता है एंड कामिंग इम्पैक्ट देता है। जैसे हमने अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा, अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी में रहते हैं और कहीं से अगर सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हैं तो दिस विल हेल्प टू रिलैक्स एंड काम डाउन। इन द सेम मैनर प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे बॉडी में जब चेंजेस होते हैं तो म्यूजिक जो है उन चेंजेस को जो है बैलेंस करने में या उनको बॉडी के साथ एडजस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। दैट्स वाई म्यूजिक की इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग द गर्भ संस्कार या प्रेगनेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन गर्भ संस्कार। मैं डॉक्टर अनुपमा शर्मा, आयुर्वेदाचार्य एंड गर्भ संस्कार कंसल्टेंट। संगीत सम्राट तानसेन के बारे में तो हम सभी ने सुना ही है कि किस तरह से अकबर के दरबार में जिस समय वो अपना संगीत जो है वो उसका प्रैक्टिस करते थे या दरबार में जब वो अपना गायन किया करते थे तो उसका बहुत डीप लेवल तक इम्पैक्ट जाता था। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि संगीत के इम्पोर्टेंस सदियों से चली आ रही है, और संगीत के जो सात स्वर होते हैं उन्हीं का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके जो है राग बनाए गए हैं, और हर राग का हमारे शरीर पर जो है अलग अलग असर होता है। तो बहुत सारी बीमारियों में भी जो है संगीत का प्रयोग करके देखा गया है कि इसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं। जैसे कि अगर किसी को पित्त से रिलेटेड कोई बीमारी है कि एसिडिटी है, अल्सर्स हैं, उसमें कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ रागाज हैं। अगर किसी को पेट से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, मानसिक रोग हैं, तो सभी में अलग अलग राग बताए गए हैं। तो इसीलिए गर्भावस्था में भी जो है हर स्टेज में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकेंड ट्राइमेस्टर है, हर महीने में बेबी की ग्रोथ डिफरेंट रहती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है म्यूजिक प्लान किया गया है। तो आज हम यही हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो म्यूजिक या राग है गर्भावस्था में उनका प्रयोग किया जाना चाहिए और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो आइए जानते हैं, गर्भावस्था में यदि गर्भिणी स्त्री जो है संगीत का जो है अपनी डेली लाइफ में कुछ समय प्रैक्टिस करती है, चाहे वो खुद करे या वो सुने, तो क्या क्या उसके बच्चे में जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं या क्या बेनिफिट्स होते हैं डेली लिसनिंग ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक जो है वो सॉफ्ट म्यूजिक होना चाहिए, क्लासिकल होना चाहिए, ऐसा म्यूजिक नहीं होना चाहिए जिसकी बीट्स हायर होती हैं। तो म्यूजिक ऐसा होना चाहिए कि जो रेस्टलेस ना बनाए बल्कि सूदिंग इम्पैक्ट दे। तो क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं यदि ये गर्भिणी स्त्री रोज जो है म्यूजिक सुनती है? एक तो नर्चर करता है, जैसे मैंने बताया बहुत डीप लेवल तक सेल्स को नरिश एंड नर्चर करता है। इसके अलावा मदर एंड बेबी की बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है म्यूजिक के थ्रू, क्योंकि म्यूजिक जो है एक तरह का कन्वर्सेशन बिटवीन मदर एंड द बेबी विदाउट एनी वर्ड्स। तो उससे जो क्या रहता है, मदर एंड बेबी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, बच्चा जो है बहुत क्रिएटिव, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट होता है, और बहुत सारे फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल्स को इवोक करता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है म्यूजिक। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं अगर जो प्रेग्नेंट लेडी डेली म्यूजिक सुनती है। अब आइए जानते हैं कौन कौन से वो राग हैं या किस तरह का म्यूजिक है जो कि वो सुन सकती है। तो कुछ राग मैं आपको कुछ दो तीन के बारे में बताती हूँ। राग तोड़ी, राग भैरवी, राग जौनपुरी, तो ये जो है कुछ प्रेगनेंसी के टाइम में सुन सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट म्यूजिक, जो क्लासिकल म्यूजिक रहता है, उस तरह का म्यूजिक भी जो है वो सुन सकती हैं, जिसमें कुछ मंत्रास भी रह सकते हैं या कुछ भजन या फिर इस तरह के राग जिसमें आए, उस तरह का म्यूजिक जो है अपनी डेली रूटीन लाइफ में कोई भी एक समय बना लें और उसमें जरूर सुने। वो समय जिस समय भी आप रिलैक्स कर रहे हैं या अपना कुछ भी काम कर रहे हैं, उस समय में आप इस म्यूजिक को जो है सुन सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ना केवल आपकी बॉन्डिंग बिटवीन द मदर एंड द बेबी जो है स्ट्रॉन्गर रहेगी, बल्कि आपको फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत सारी पॉजिटिव फीलिंग्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगी, और इसी के साथ प्रेगनेंसी में होने वाली बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो भी नहीं होंगी। प्रेगनेंसी विल गो वेरी स्मूथ एंड यू विल बी एबल टू गिव बर्थ टू अ हेल्दी, हैप्पी एंड संस्कारवान चाइल्ड।